छिंदवाड़ा का सियासी जो माहौल है इन दिनों, जो फिजा है, वो धीरे धीरे अब चुनाव के समय में बदलने लगी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी अपनी फील्डिंग सजा रही है, तो वही कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं को शपथ दिला रही है। इन सब के बीच मंगलवार को छिंदवाड़ा नगर निगम के 7 कांग्रेसी पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ये दोनों तस्वीरें लोकसभा में कांग्रेस के एकमात्र गढ़ छिंदवाड़ा से जुड़ी हैं। पहली तस्वीर भोपाल की है, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजय वर्गीय ने रात को अपने बंगले पर छिंदवाड़ा नगर निगम के 7 कांग्रेसी पार्षदों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वहीं दूसरी तस्वीर छिंदवाड़ा की है, जहां नकुल नाथ को जिताने की शपथ ली जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेसियों की शपथ रंग लाएगी या फिर बीजेपी की मुहिम असर डालेगी। मोदी जी के नेतृत्व में जो देश उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश जो ऊंचाइयों पर जा रहा है, आज इन सबने प्रभावित होकर के और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि से आज माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री, उनकी उपस्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैं इन सभी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आइए आपको उन सभी पार्षदों के नाम बता दें जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। वार्ड 45 से धनराज भूरा भावरकर, वार्ड 9 से लीना तरगाम, वार्ड 16 से संतोषी वाडिवा, वार्ड 20 से दीपा माहौरे, वार्ड 23 से जगदीश गोदरे, वार्ड 1 से रोशनी सलाम, वार्ड 33 से चंद्रभान उर्फ चंदू ठाकरे। आज हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग करे, साथ में मोदी जी का जो विकास कार्य है उसको भी देखते हुए हमारा सारे साथे पार्षदों का कहना था कि वार्डों में विकास नहीं हो पा रहा है और उन्हीं के कारण हम लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग करे हैं। हम मोदी के विकास कार्यों के कारण, मोदी जी के साथ मोहन यादव जी के, कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइनिंग करे हैं और हमारी पूरी मेहनत ये रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से 400 पार का नारे के साथ सफल हो जाए। छिंदवाड़ा नगर निगम में कुल 48 वार्ड हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस के 27, भाजपा के 20, जबकि एक निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी। निर्दलीय चुने गए पार्षद ने बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब 7 पार्षदों के पाला बदलने के बाद बीजेपी समर्थक पार्षदों की संख्या 27 हो गई है, वहीं कांग्रेस पार्षदों की संख्या घटकर 21 रह गई। ऐसे में निगम में कांग्रेस अल्पमत में आ गई है। शामिल कराना है, जो सक्रिय नहीं थे वही शामिल होने हैं। वहाँ पर कांग्रेस परिवार सबसे मजबूत है छिंदवाड़ा में। हम बेहतरीन मार्जिन से चुनाव जीतेंगे और इस बार तो कई ऐसी सीट्स हैं जहाँ बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हुई है, जहाँ टिकट भी घोषित नहीं कर पा रहा है और बीजेपी इतनी आश्वस्त है छिंदवाड़ा में तो प्रत्याशी को घोषित नहीं किया अभी तक। बीजेपी प्रमाणित करती है इस चीज से बीजेपी की हालत बड़ी खराब है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक नगरीय विकास विभाग के अफसरों के अनुसार पार्षदों के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद महापौर के पद पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे सीधे तौर पर जनता से निर्वाचित है। अध्यक्ष का पद जरूर प्रभावित हो सकता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी को इसका फायदा पहुँच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।